आज हम आपको लिए चलते हैं बटुक भैरव जी के। बटुकनाथ भैरव जी का यह मंदिर झाजी रामपुरा में स्थित है। जयपुर दिल्ली रेल मार्ग पर एक बसवा कस्बा आएगा। यहाँ से लगभग 5 या 6 किलोमीटर दूर पर झाजी रामपुरा में बटुक भैरव जी का एक विशाल मंदिर है। बताया जाता है कि यह भैरव जी का मंदिर काफी पुराना मंदिर है। जब आप यहाँ पर आओगे तो आपको कई मनोरम दृश्य देखने को मिलेंगे। बटुकनाथ भैरव जी के सामने ही मुसानिया भैरव जी का मंदिर है। यहाँ पर काफी श्रद्धालु आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए अब हम जानते हैं भैरव जी के बारे में कैलाश चंद मीणा से। हाँ जी, ये हमारे झाजीरामपुरा है जो बहुत प्राचीन धार्मिक स्थल है। यहाँ पर एक भैरव जी का मंदिर है जो बहुत ही प्राचीन है और यहाँ पर इसकी मान्यता सबसे ज़्यादा है। यहाँ साल भर में 4 मेले लगते हैं। एक 2 दशहरों का लगता है, एक होली का लगता है, एक माई साते का लगता है और यहाँ दूर दूर के यात्री आते हैं जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है। बटुकनाथ भैरव जी, बताया जाता है कि यह शिव के 5वें अवतार माने जाते हैं। यह भैरव जी दुष्टों को दंड देते हैं और जो भी श्रद्धालु भैरव जी की पूजा अर्चना करता है तो भैरव जी उनकी रक्षा करते हैं। भैरव बाबा का मुख्य भोग हलवा, खीर, पुआ पापड़ी, जलेबी आदि का भोग लगाया जाता है। बताया जाता है कि मिठाइयों का भोग लगाकर यदि हम उस प्रसाद को काले कुत्ते को खिलाते हैं तो वह शुभ माना जाता है। उससे घर की परेशानी दूर होती है और काली उड़द की दाल से बने दही भल्ले, पकौड़ी आदि का भोग लगाकर किसी गरीब को खिलाना चाहिए। भैरव उग्र कापालिक संप्रदाय के देवता है और तंत्र शास्त्र में उनकी आराधना को ही प्राधान्य प्राप्त है। तंत्र साधक का मुख्य भैरव भाव से अपने को आत्मसात करना होता है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्यान्ह में भगवान शंकर के अंश से भैरव की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए भैरव जी का मेला कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आता है। आइए अब हम दिखाते हैं आपको झाजीरामपुरा का दृश्य और आप करिए झाजीरामपुरा के दर्शन।